हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शैशलिक विद माय स्टाइल। ये मैंने दो चिकन ब्रेस्ट ली हैं, इसको पीसेस में कट करेंगे। डेढ़ कैप्सिकम, आप दो भी डाल सकते हैं, मैंने डेढ़ डाली है। एक मीडियम अनियन, इनको पीसेस में कट करेंगे। चिकन को इस तरह बॉयल्स में कट कर लें। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट, तंदूरी मसाला डालेंगे 1.5 चम्मच, टेबल स्पून 1.5 चम्मच ही विनेगर डालेंगे, सिरका, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। अब 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, इसको मिक्स करें। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं वीडियो, मैं उस बनाऊँगी। इसको अब आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दें। अब हम वेजिटेबल्स को कट करेंगे, इस तरह पीसेस बर्ड्स में आप कट कर लें। इसको भी हम मैरिनेट करेंगे। वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर, वन टीस्पून सॉल्ट, वन टीस्पून सोया सॉस, 4 टेबलस्पून अब मैं इसमें सिरका डालूंगी। अब इसको मिक्स करके अच्छी तरह इसको भी आधे घंटे के लिए मैरिनेशन होने के लिए रख दें। अब एक पैन लेंगे, उसको हीट ऑन करें। अब इसमें 1 टेबलस्पून बटर डालें। बटर में इसका अपना ही टेस्ट होता है बनाने का, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बटर में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें चिकन डालेंगे हम, जो हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था। इसको थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे और इसको ढाम के रख देंगे। चिकन अपने ही पानी छोड़ेगा, उसमें ही मेरे अच्छी तरह कुक हो जाएगा। इसमें कुछ भी पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। दस मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम हीट पे कवर करके रखते हैं। अब ये चिकन अपने ही पानी में कुक हो गया, 10 मिनट बाद इसकी ऐसी शक्ल होगी। चिकन चेक करेंगे, गला के नहीं, थोड़ा सा भी इसमें कसर है चिकन में। अब इसमें जो हमने मैरिनेटेड वेजिटेबल थी वो डालेंगे। इसका जो नीचे सूप है वो इसमें अभी शामिल नहीं करेंगे। वेजिटेबल डाल के इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें जो वेजिटेबल का जो मिक्सचर था, पानी जो था वो विनेगर, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा नहीं डालना, सिर्फ ऊपर वाला जो उसका जूस होगा वो डालेंगे। अब इसको मिक्स करके इसको दम पे रखते हैं लो हीट पे। ये
10 मिनट के बाद अब इसको हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि जो मसाला है वो चिकन और वेज को जो है चिपक जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे। इसकी अब बुनाई करेंगे हम। इसको आप स्टिक्स पे भी लगा के सर्व कर सकते हो। मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर मतलब खाती हूँ, दही का रायता बना के उसके साथ। आप केचप वगैरह या चिली गार्लिक सॉस वगैरह उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। अभी मसाले में थोड़ी कसर है, इसको थोड़ा सा भुना। इस टाइम पे आप इसकी हीट जो है मीडियम रखते हैं। अभी इसकी फाइनल लुक है।